Hey guys, मैं हूँ शिनचैन नुहारा। मैं 5 साल का हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद। पर एक चीज और है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये करणवीर धवन। देखो वीडियो बना के कैसी हालत हो गई है, मॉम को बताना पड़ेगा। बट इसने ऐसी वीडियो बनाई है कि मैं तो मॉम के साथ देख भी नहीं सकता। मैं बस आपको वीडियो का इंट्रो देते हुए इतना ही बोलूंगा कि अगर आपकी मॉम कूल नहीं है उनके साथ ये वीडियो मत देखना। हेलो गाइस, क्या हाल चाल सबके? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। बस तुम कैसे? बताओ, तुम बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया। प्रदीप भाई आप बताओ सबसे पहले, क्या हाल चाल है? मेरे को, मैं सोना चाहता था, मैं सिर दर्द बोल रहा था, मेरे को कान दर्द कर रहा बोल रहा था, मेरे को खींच के लाए हो इधर। बिल्कुल तुम तो लाइक जो भी देख रहे हैं लाइक पूरा देखो, क्योंकि मेरा हेडेक वर्थ इट रहे, ठीक है? और ना मैं, मेरा कोई भी बिल्कुल भी योगदान नहीं है, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पुश करा ना मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं करा, ये अपनी मर्जी से आया भाई। आपको क्रेश है एनिमेटर भाई में? नहीं नहीं, हम मिलने वाले लाइक सून, फरवरी पे मैं दिल्ली जाऊंगा और बकने दो जो जो बकना है, फिर मैं यू नो दिखाता हूँ नारियल का स्वाद, है ना? अरे मेरे को भी बुला लेना, ठीक? अरे आ जाओ करण भाई, आ जाओ, मतलब दोनों करण आ जाओ। किस यार, तुम लोग ना अपना नाम थोड़ा ये कर लो कि कौन किसको करण बुलाओ किसको लाइक क्या। तुम डैडी बुला लिया करो मेरे को। नहीं बिल्कुल नहीं, दैट्स आउट ऑफ द ऑप्शन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और पफ भाई क्या हाल चाल, जम्मू में ठंड कैसी हो रही है? सच्ची बहुत ठंड हो रही है भाई, जीना नहीं हो रहा मेरे से, बहुत ठंड है, हाथ कांप रहे हैं। ये बेड पे लेट के बोल रही है। वही ना, ये भी मेंशन करो ना, बेड पे लेट के तो रजाई लेके मस्त हीटर और ब्लोअर दोनों लगा के। आई वाज अबाउट टू एज वेल, मेरे को तो खींच के लाए हैं। अरे वो जिन लोगों को नहीं पता, ये दोनों करण ना अभी साथ में है, लाइक साथ में, देयर लाइक यू नो साथ में नहीं है, बस लिविंग रूम में वर्ड फाइटिंग में मजा है। एंड यो मैंगो भाई, क्या हाल चाल भाई? मैं, क्या चल रहा है मैंगो वर्ल्ड में आपके? मैं एकदम ठीक हूँ, और क्या है, कुछ नहीं चल रहा, लग नहीं रहा ऐसे आवाज से। जो लाइक देख रहे हैं ना साला, स्पैम करो कमेंट में कि वीडियो डालो बोल के। अरे हाँ यार, गायब ही हो गया। मैंगो भाई का कमबैक कब हो रहा है? कमबैक नहीं हो रहा यार, कमबैक ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? स्किल इशू भाई, स्किल इशू भाई। अरे मैंने ना पॉडकास्ट में आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करी थी अबाउट द ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, ओके, हम सबके चैनल्स के, ठीक है? एंड मेरे को मालूम पड़ा कि पफ भाई के पास ना सबसे ज्यादा फीमेल ऑडियंस है। अरे मेरी इंट्रो ही नहीं करी है। किसकी? गलत बात है यार। अरे करण की इंट्रो कर, अपनी करण की। ब्रो भाई, कोई बात नहीं है, करण भाई की इंट्रो ना वो पहले कर दी थी स्टार्ट करने से। रुको, करण भाई ना एक्चुअली बोल रहे थे कि मैं टॉक शो पे नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे घर पे बिजली नहीं है, तो करण भाई को किडनैप करके मैं अपने घर पे लाया हूं अभी। बस ये बताओ मुझे, तुमने जिस बेड पे मेरे को सुलाया अकेले, हाँ, कि थोड़ा सा चिपचिपा क्यों है? आई मीन अदर्स ऑडियंस, आई डोंट नो मैन। मेहमान आता है घर पे, उसको ऐसे सूखी जगह पे सुलाते हैं भाई। अरे यार, आई मीन अच्छी बात नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, लेट्स कंटिन्यू। पफ भाई इस क्वेश्चन से बचने नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, इतनी क्यूट है। बिल्कुल नहीं, क्या पूछ रहा तुम? अरे कि आपकी फीमेल ऑडियंस में ज्यादातर फीमेल्स क्यों हैं? आप यस ऑडियंस में फीमेल्स पागल क्यों हैं आपके गोरे गोरे चेहरे के पीछे? को भी नहीं पता मेरे पास फीमेल ऑडियंस है भाई। यार ठीक है यार, ये तो आयरन नहीं होगी, मैं एक रीजन दूं? आयरन नहीं हो रही जी, बहुत भयंकर। मेरे को क्या लगता है? दे दो, दे दो, बोलो क्या लगता है। क्योंकि पफ भाई पिंक है। मेरे को आज तक किसी ने कुत्ते ने भी नहीं पूछा रहा तुम्हें मिला क्या ऐसे कोई की पहचान गया। डीएम में तो आती होंगी यार, तुम्हें लगता है मैंने इंस्टाग्राम चल क्यों मरवा रहे हो बिचारी को? बिचारी बिचारे की अगर बंदी देखेगी ना। अरे सॉरी यार, सॉरी भाई, बंदा कमिटेड है ना। भाई पफ, करण जौहर यार, करण जौहर मैं अपना इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं हूँ, कभी देखा मुझे? हाँ भाई, जब तूने फोटो डाली अपनी बंदी के साथ। अगर मेरी कोई फीमेल ऑडियंस है मुझे डीएम करो, मैं भी देखना चाहता हूँ। लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं। प्रदीप आ गया, प्रदीप आ गया। ठीक है भाई, मैं केली को खाना डाल लिया था। केली देखोगे? अरे हाँ, कि केली 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 नहीं है उसका ना, केली है भाई। अरे ये एयो व्हाट्सअप व्हाट्सअप होमी, ये पफ भाई की तरह दिख रही थोड़ी थोड़ी। तुम लोग ने बिल्लियां क्यों पाली होती है? आज मैंने प्रदीप की गोरी गोरी देख ली, ठीक है।
सबसे ज्यादा फीमेल ऑडियंस रखने के पता कैसे चलता है? तो आई वाज अबाउट टू आस्क, अरे रिसर्च करके आऊ ना। कृष्णा का नया गाना आया जूता जापान, दो दिन हो गया भाई। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग पुरानी हो गई। कश्मीर वाकई काफी पीछे है भाई जम्मू। मैंने यूट्यूब भी नहीं खोला काफी दिन से, डेवलपमेंट करवाओ थोड़ी सी। अरे डेस्क शो की न्यू वीडियो। अरे वाह वाह वाह, करणवीर तो इतना खुश क्यों हो रहा है? देखना फॉर श्योर न्यू ही है ना। प्रदीप भाई वो ये रहा, मेरी फीमेल ऑडियंस है 36.4%। बहुत है भाई, बहुत है। What the fuck? Wait. Let me check mine. Yo, bro. Yours on the second number, bro. Pradeep, bro. Damn, bro. Accurate है कि नहीं देखता है पफ भाई, अभी पता चल जाएगा ये जो बोल रहे हैं। प्रदीप की सेम रहेगी। इतना तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे में कितना दिखा रहा है? मेरी है 34%। तुमने कितना बोला था? 36.4। ओ बस 2%। कैसे पता भाई तुम्हें? कैसे पता? तुमको लगता है कि हम ऐसी आए हवा में बात थोड़ी कर रहे? रिसर्च करी भाई 4-5 घंटे बैठ के। करण भाई से पूछो भाई, इसने कोई रिसर्च नहीं करी, इसने दो हमारी बस। करे भाई यार करे। अच्छा मैं स्ट्रेट अप एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हैव यू नेवर एवर हुक्ड अप विद अ फैन? नो, हुक्ड अप मतलब, आई मीन आई हैव ऑप्शंस। मैं बता रहा था कि नहीं बताऊंगा। अरे ठीक है ना, घुमा के थोड़ा स्टोरी टेलिंग तो करो यार, एक स्टोरी टाइम तो मांगता। अरे एक मिनट, स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे बताओ ये हुक्ड अप क्या होता है? मैं ना संस्कारी बच्चा हूँ। हुकअप यानी कि सेक्स। ओ ये गंदी बातें करने बैठे हैं क्या? तुझे पता ही नहीं था साले, तुम लोग बहुत गंदे हो यार। वैलोरेंट खेलता है ये नहीं पता तुझे? वैलोरेंट क्या होता है? ब्रो इज कैपिंग राइट नाउ, ब्रो इज कैपिंग। अरे एक सेकंड यार, आप भटकाओ मत, ठीक है? प्रदीप भाई स्टोरी बता रहे थे। यो पूछो। यो मैन यो। कुछ नहीं भाई, देखो कुछ तो है, देखो बहुत घुमा के बताना पड़ेगा मेरे को, हरामी लोगो तुम। हाँ बताओ तो। देखो आई मेट हर थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है? शी वॉज माई फैन। 21 साल की थी और मैं भी 21 साल का था। एज इम्पोर्टेंट है। हाँ एज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अपनी ऑडियंस में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं तो, सो लेट मी क्लियर इट राइट नाउ बिफोर यू वियर्डोस डू समथिंग। मैंगो बॉय वो आपके स्टेट से थी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके इससे पे। क्या बात है? नॉट हुकअप बट समथिंग रिलेटेड टू दोस थिंग। देखो यार लोग भाई, मैं ही बताने वाला, ठीक है? अच्छा प्री हुकअप थिंग्स, आई विल कंसीडर प्री हुकअप थिंग्स। Expose unsubscribe to animator भाई and सारी audience करन animations पे shift हो जाओ। 6 महीने में एक बार video। मैं अगली दिखता हूँ। वाह। और मुझे खुद पे विश्वास है, मैं कभी भी आप लोग का फायदा नहीं उठाऊंगा। New Hitler is born. Please subscribe. New Hitler is born by the way. तो ranking पे 3rd number पे आते हो अपने mango भाई। यो ब्रो सेम है मैंगो भाई, मेरी 20% होगी। हो के भाई रेशियो बिगड़ा। अरे तो मेरी 14 है, मेरी 14% है। हां तो 14 में नहीं होगी। तू 14 ही है, तू 14 ही है। क्या बात कर रहे हो? नहीं ले मम्मी चेक। वही तो बोल रहा हूं भाई, मेरी वो 14 भी नहीं होगी भाई, 15% होगी मेरी अब। क्या अब तो ऑडियंस ही नहीं है ऐसा लग रहा। 14 भी नहीं होगी, 15 होगी। वाह 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 वाह, क्या मैथ है। स्कूल कहां तक होते हैं? 5 तक। मुझे ये बताओ आप सबको ऐसे अजीब अजीब डीएम आते हैं क्या लड़कियों के? मुझे नहीं, मेरे को नहीं आता भाई, मेरे को भी नहीं आते भाई, मैं देखे नहीं है कभी आते ऊपर नहीं भाई मेरे को। प्रदीप भाई को आते हैं, प्रदीप भाई नीचे देख रहे। एज पहले कंफर्म करता हूँ अगेन। देखो देखो ऋषिकेश भाई को आते। अरे आते थे मतलब, मैं अब यूज नहीं करता बट बट बताओ थे। ओ यूज करके हो गया, यूज करके छोड़ दिया। यूज मतलब एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, यूज करके छोड़ दिया भाई। छोड़ मरोड़ के बोल रहे भाई अब तो। मैं बोल रहा मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता अब। अरे कुछ बताओ तो सही, कैसे कैसे आते थे? अरे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स बताते रहते। ऐसे वाले मेरे को भी ब्रो बहुत मिलते, लाइक अपनी ऑडियंस ही ऐसे लगता है, बट आई टॉक टू देम। या हाँ मैं भी देखो आई माइट बी अ टर्की, यू नो लाइक 2 रुपए का बंदा, बट आई हैव अ हार्ट टू। बट वही यार, अरे मेरा क्या है, मैं बताता। मैंने सोचा है भाई मैं ऐसा सब्सक्राइबर में से डेट थोड़ी कोई करेगा यार। भाई की आवाज में कितना दुख है यार। अभी दुख नहीं है मतलब, वो बड़ा वियर्ड लगता है वो मतलब। अभी रात को आज फेक अकाउंट बना के देखता हूँ कितना सच बोल रहा है। मैं हुई नहीं इंस्टा पे, आपको नहीं पता प्रदीप भाई। एक बार ना मैंने अपने लाइक दोस्त को प्रैंक करने के लिए मैंने
एक लड़की का फेक है बनाया था, अब वो नंबर मेरे HOD मेरे सर के पास भी था ब्रो ब्रो, उसमें मैंने फेक लड़की का प्रोफाइल पिक्चर लगाया, उसका हाई बोल के मैसेज आता है, मैं बोला मेरे लाइक मेरे को इतनी बार मेरे पापा के सामने बेइज्जती मारा है, यू नो लाइक ऐसा वैसा, साले तू कैसा दो नंबर का बंदा है भाई बोल के रैंडम लड़की को मैसेज कर ब्लॉक कर दिया मैंने HOD को, हाँ ब्लॉक कर दिया भाई, डैम ब्रो डेयरिंग। अरे यार ये कौन कुत्ता, ये एनिमेटर भाई म्यूट करना। ना 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 मेरा नहीं है ये, पफ का है, पफ का है, आई नो दिस कुत्ता, मेरे को ये आवाज पता है। हाँ मेरा कुत्ता। अबे यार केले भोग क्यों रही है? जो पहले देखो जो पहले भोगता था ना वो तो मर गया बेचारा, अब ये उसका बच्चा ये भोगता रहता है। मैंगो बोला कैली भोंग क्यों रही है? What can I do bro? Doggies be very bow bow. तो मेरे को ये बताओ weird DM। अरे हाँ करण भाई आप बता रहे थे। मेरे को तो आते हैं ऐसे ऐसे DM आते हैं कि बुड्ढा आदमी तेल क्यों लगाता है। मेरे को तो ये आ रहे हैं आजकल की यू नो वो तो ऋषिकेश भाई को आते हैं। That's what I mostly get nowadays. Let's go. Let's cheers with Narayan. अरे वो लड़की होगी ना? हाँ mostly लड़कियाँ ही हैं। I can message them but you know I'm a good guy. Nice. I never message my fans. Never message. सीधा मिलने चले जाते हैं ना? जी भाई ये क्या है? ऋषिकेश भाई आप बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊँ, जो सबसे ज्यादा शांत रहते ना वो क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं। हाँ exactly. Bro has a lot in him. Yo. समाज में कुछ ऐसे ही साइलेंट किलर्स घूमते हैं जिनको हम इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। सीआईडी टेंटेड है इंट्रोवर्ट के भाई, बस सीआईडी का। कल की बात है हाँ, टिंडर पे ना, टिंडर लेट्स हम थोड़ा लाइक अलग जगह जाए भाई, वहां तो लड़कियां ही होंगी ना भाई। टिंडर पे लाइक लड़की के साथ मैच हुआ, मैंने हे ही बोल के बोल दिया, तो वो मैसेज करती है दैट वाज एक्सीडेंट माय फ्रेंड डिड सो ब्रो भाई मैं इतना खुश था भाई, ठीक है दैट वाजंट एन एक्सीडेंट, आपकी आपका फेस देख लिया था उसने, वही तो एक्सीडेंट है। आफ्टर दैट शी रिग्रेट हर डिसीजन इंस्टेंटली In 10 seconds. See, that doesn't have any base. क्योंकि face literally दिखता है Tinder पे, ठीक है? Right, left करने से पहले दिखता है। तो उसके friend को मैं अच्छा लगाऊंगा, इसको अच्छा नहीं लगाऊंगा। I will cope with it. I will cope with it. अरे उसको बोलना है कि अपनी friend का number दे दे। हाँ। Oh yeah. एक मिनट। ये क्या लड़की बाजी से हम आगे बढ़ेंगे कि यहीं पे फंसे रहेंगे? ना मतलब। कुछ और पूछो ना। तू लड़की बाजी नहीं करता, तू आगे बढ़ा करण। बता। You are my example. I take you as a motivation. Okay, अपन लड़कियों से आगे बढ़ के अपने सपनों में चलते हैं। अच्छा है? वो सपने रात को सोते हुए जो सपने देखते हैं हम। भाई मुझे आज ही आया सपना। क्या क्या बताओ बताओ क्या आया? About? भाई चिपकली आती मेरे सपने में। Okay, क्या बोलती? अरे चिपकली से याद आया, मैंने एक बार ना अपने बाथरूम में दो चिपकलियों को करके देखा। I even heard the noises like cum shot का। वो भी हगते हुए भाई मेरे इतने पास थे वो, लाइक इतना जोर जोर से कर रहे थे भाई। नहीं भाई सब सुना मैंने भाई, अलग आवाज हो गई वो किसी चीज की भाई। हां ब्रो ब्रो आई नो ब्रो, मैं इतना पॉर्न देखा हूं, आई नो दैट, ठीक है ब्रो। डैम ब्रो दैट वाज फकिंग वियर्ड। ओके डैम भाई, भाई पर तुम्हारा मन तो हुआ होगा ना छिपकलियों को देख के? आई मीन मेरा मन तुम्हें देख के हो रहा है। आ जाओ साले बोल डालूंगा तेरे को, ज्यादा बात मत कर भाई। तेरे पास नारियल हैं बड़े, उससे संतुष्ट हो जा किसी तरह से। आई हैव द नारियल, यू हैव द लस्सी, कम ऑन बेबी लेट्स डिस्ट्रॉय दिस। दैट वाज अ नाइस वन। अरे हाँ मैं ड्रीम्स पूछ रहा था, किसी को ऐसा कोई यार वियर्ड सा ड्रीम आया? देखो मैं बताता हूँ। ओके कभी किसी ने ट्रू क्राइम विटनेस किया? बिल्कुल बिल्कुल किया। व्हाट द फक, मैं नोएडा में रहता हूँ। बताओ ओके बताओ ना, बताओ ना पप भाई। तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना मैं। अच्छा गोली वोली चलते देखिए ठाए ठाए ठाए। बट बाय द वे मेरे नहीं तुम्हारे मन में ये अचानक से क्वेश्चन कैसे आया क्राइम वाला? यूट्यूब पे पीछे ना वो आ गया ऐसे देसी क्राइम पॉडकास्ट करके। हाँ ये साले क्राइम पेट्रोल देखते हैं और यहाँ पे आके बकचोदी करते हैं कि हम क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। अरे अरे भाई थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट देख रहा था कोई, तो मुझे पता चला सीआईडी बंद हो गया है। क्यों भाई सीआईडी तो कब का बंद हो गया? सीआईडी का तो एक एक्टर भी मर गया बंद होके। वो बंद ही हो गया मतलब? हाँ यार बंद हो गया। और वो दया का जो एक्टर है वो अपने लाइक मैंगलोर में एक मूवी भी की। अबे यार इसका मैंगलोर क्योंकि वो मैंगलोर ठीक है, वो मैंगलोर का ही है इसके लिए ब्रो, इसने इधर मूवी की। आई एम जस्ट टेलिंग यू, लुक अप लुक अप, दयानंद शेट्टी नाम है उसका, लुक अप। सब लोग एक एक अपनी सबसे ज्यादा एंबैरेसिंग स्टोरी बताओ कुछ। मेरी तो अभी रिसेंटली हुई। अरे हाँ बताओ ना। सो दिस इन्वॉल्व्स टिंडर अगेन। ओके टिंडर में मैं एक लड़की के साथ। प्रदीप भाई सो मच एक्टिव ऑन टिंडर। मैच हुआ प्रीमियम मेंबरशिप। नहीं भाई ऐसे ही हटो, पैसे नहीं दे रहा भाई, फ्री में मिल रहा है। पैसा हटो पैसा भाई, ये देख
5,500 का कंट्रोलर खरीदा है। क्या बात है, क्या बात है, यू आर रिच। तो हाँ प्रदीप भाई बताओ अपनी स्टोरी बताओ। हाँ तो मैं बताता क्या हुआ कि भाई मैं उसके साथ डेट में गया था, लगता है मैंने कुछ गलत वलत खा लिया था, ठीक है। मेरे को शुरू हो गई गैस, मेरे को पेट में भी बहुत गुड़गुड़ हो रहा है, मेरे को लाइक चेस्ट में भी हो रहा है, ठीक है। अब मेरी फट गई क्योंकि लाइक यू नो लाइक मैं सोया भी नहीं था, मेरे को लगा क्योंकि इधर हाथ में भी दर्द हो रहा था। सो एनी ऑफ यू गाइस इफ यू हैव नॉलेज अबाउट हार्ट अटैक और एनीथिंग, तो भाई मेरी फट गई, यू नो हार्ट में भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, पक्का कुछ तो गड़बड़ा है। तो लाइक मैंने उसको बोला, वो बोली मेरे पास में पहचान वाले डॉक्टर है, उधर चलते हैं। तो मेरे को लेके गई उधर, लाइक हाँ हम गए, फिर वो डॉक्टर आया, ठीक है। अब ये मेरे साथ ही बैठी है, ठीक है, और वो डॉक्टर बोलता है शर्ट निकाल। ओके पापा इन्हें कैमरा बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दिया। हाँ तो लाइक आई डोंट नो दिस गर्ल टू मच वेल कि इसके सामने निकालू। मैंने इसका चेहरा देखा कि वो मेरे को देख रही है, शी इज जस्ट स्टेयरिंग इनटू मी। अरे ये तो गोल्डन चांस था ना, गोल्डन चांस के बच्चे, मेरे को शर्म आ रही है, लाइक आई हैव मैन बूब्स, ठीक है। लाइक मैं थोड़ा मोटू ही मोटा बुला था मेरे को, एक को बताया, ठीक है। तो लाइक हाँ मेरे को निकाले हो रहा, मैं ठीक है धीरे धीरे से निकाल रहा हूँ। ओके अब जाएगी शायद, अब जाएगी। नहीं भाई उधर ही खड़े होके देख रही है मेरे को। फिर मैंने पूरा शर्ट निकाला। देन इफ दैट वाजंट इनफ, वो डॉक्टर ना कुछ लूब लाता है, लूब पता है, डैम ब्रो लूब, क्योंकि मेरा पल पे लगाया ईसीजी, हाँ ईसीजी निकालने वाला था वो। ओके लूब के लिए वो कुछ भाई चिपचिपा सा वाइट है भाई, निकाल के मेरे निप्पल पे वगैरह ऐसे मशीन लाया जिसके ऑक्टोपस जैसे टेंटेकल्स हैं। एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन इज सो सस। उसको हेल्प करने नहीं बोला क्या? या दैट वाज रियली एंबैरेसिंग मैन, दैट वाज रियली एंबैरेसिंग। सेव टू से वही लास्ट था, वी नेवर भाई, या दैट वाज भाई पता है सेम रीजन की वजह से मैं कभी पूल नहीं गया हूं, पूल पार्टी वगैरह में कभी नहीं गया। डैम ब्रो तुम्हारे कूल दोस्त है भाई, पूल पार्टी में बुलाते हैं। अरे इनके यहां तो पत्थर पार्टी होती है। क्या है वो? अरे छोड़ना मैंगो, तू अपनी एंबैरेसिंग स्टोरी सुना। मेरे पास नहीं है कोई, मैंने बता दी ऑलरेडी भाई, मुझे एक भी याद नहीं आ रही। भाई वो पुणे से है, उसके लिए इतना एम्बैरेसमेंट बहुत है भाई। हाँ मतलब अगले गली में रहता है एमसी स्टैन। तो क्या बोले, वाह दैट्स रियली एम्बैरेसिंग यार। हाँ मतलब अब इमेज वही हो गई है भाई लोगों की, भाई एमसी स्टैन है सारे भाई पुणे में। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में वो चला दूंगा, वो पिज्जा वाला गाना सुना के बताओ ना एक बार। अरे मत भाई, मत भाई, इतना कमाऊं कि मैं खाऊं मैं पिज्जा। अरे मत भाई, नाम था इसने डिलीट कर दिया अपने चैनल से। ना ना क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा चैनल है भी या नहीं देख लो भाई, मुझे पता भी नहीं चैनल है या नहीं मेरा। Embarrassing moment captured भाई, थैंक यू भाई, हो गया ना, मिल गया ना embarrassing moment। मेरा तो embarrassing moment ऐसा है कि मतलब सबसे डीप डाउन जाके बचपन में मेरी मम्मी ने मेरी बुंड में साबुन का टुकड़ा डाल दिया था। ब्रो दैट्स सो हार्श, करण भाई वर्जिन नहीं। सो लेट्स मूव टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ द शो, मतलब ऑफ दिस एपिसोड। तो इस सेगमेंट का नाम है एक्सप्लोर विद एक्सपी पेन। लेट्स गो स्पॉन्सर पैसा। मुझे जानना आप सब लोग का फेवरेट पार्ट ऑफ योर वर्क। अरे सोना फेवरेट पार्ट ऑफ वर्क, फेवरेट पार्ट होता है जब मैं वीडियो अपलोड हो जाता हूं। हां जो वीडियो खत्म हो जाता है जो भाई एक स्ट्रेस निकलता है ना उससे। चलो भाई मेरा फेवरेट पार्ट पता है, जब ऐसे करके ड्राइंग कर लो ना, फिर उसके बाद में ऐसे वो पेंट बकेट टूल टाइप नहीं होता, उससे ऐसे एकदम कलरफुल करो ना, आहा कितना स्मूथ आता है, मजा आता है। हां मजा आता है। यो मैन यो, तो मैं पता क्या करता हूं, मैं पूरा बनाता हूं पेन से और उसके बाद फिर उस पे कलर फिल करता हूं, टप टप टप। बट एक बात तो आपको माननी पड़ेगी दोस्तों, आपको नॉर्मल टैब से मजा नहीं आता होगा, आपको सिर्फ एक्सपी पेन से मजा आता होगा। यो इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है, यस स्मूथ एंड सॉलिड है। अरे हां मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी वो यूज करता हूं, मेरे पास एक्सपी पेन का ही ये टैब। हां भाई मैं भी,
मैं भी मतलब 3 साल से यूज कर रहा हूँ एक्सपी वैन लेजिट बॉल वेरी ऑनेस्ट मैं भी वो नहीं यूज करता मैं अलग यूज करता हूँ मैं मेरे को कभी स्पॉन्सर नहीं किया एक्सपी पैड ने बट हाँ नाइस मैं ही अलग हूँ मैं यूज ही का कर रहा हूँ भाई तो गद्दार है भाई ठीक है यार एक्सपी पेन बेस्ट है भाई मेरे को एक चीज बताओ आप अपना कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से क्रिएटर्स या और कंटेंट को देखते हो लाइक नॉट ओनली इंडियन एनिमेशन या खाली यूट्यूब पे वैसे भी शोज और एनीथिंग गॉड्स वन आउट ओके नाइस मैं तो जेडन देखता हूं एंड Odd Ones Out, and that also I watch. उसके अलावा भी अगर कुछ फॉरेन वाले यूट्यूबर्स देखता हूँ जैनत के पापा या मैंगो भाई तू क्या देख अरे आजकल मैं तो पॉडकास्ट देख रहा किसका अरे बियर बाइसेप बाइसेप बियर एलियन असली है बियर बाइसेप्स फिर राज शमानी और कौन है अरे एमसी स्टैन का पॉडकास्ट काफी बढ़िया देखा करो हाँ भाई वो तो भाई वो एक्चुअली में पॉडकास्ट बनाता है वो भी उसके पॉडकास्ट एमसी स्टैन पॉडकास्ट बनाता भाई गो सर्च गाइस व्हाट द फक तुम क्या देखते हो करणवीर मैं यार ज्यादातर अमेरिकन कार्टून शोज वगैरह देखता हूँ रिक एंड मॉर्टी फैमिली का साउथ पार्क यो दैट्स सिक यो एक लास्ट क्वेश्चन ठीक है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग एक ऐसा सीक्रेट जो आपके बारे में कोई नहीं जानता मेरा सीक्रेट ये है कि मेरे पास एक इनअप्रोप्रिएट पिक्चर है एनिमेटर भाई ओके करण भाई मेरा वो बिजनेस मत बता देना इनको सेकंड हैंड पैंटीज का ये पर अरे वो सीक्रेट था यार ऐसे नहीं ओके सो थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एक्सपी पेन की तरफ से मिलती है बहुत सारी बेस्ट विशेस हमें इसने ना 1 लाख देगा बोल के बुलाया कोई अच्छा सा क्लोजिंग नोट देना चाहेगा इस एपिसोड को क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है ओके ओके सारा मजाक असाइड ऑडियंस के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा मेरे पे टारगेटेड रहेगा मैं जितनी भी ऑडियंस एनिमेशन की है इंडियन एनिमेशन की है खास तौर पे एनिमेटर भाई की उसको अनफॉलो करो क्योंकि वो ओके तो जो भी लाइक लास्ट तक देख रहे हो शुक्रिया जिन्होंने भी देखा एंड हम सबको सब्सक्राइब करो सिवाय करण एनिमेशन के हम सबको सब्सक्राइब करो ये ऑडियंस को यूज करने वाला बोल रहा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आई लव माय ऑडियंस नॉट इन दैट वे बट अब तो हमें स्टोरीज भी पता चल गई अरे हटो तो या कमेंट करके बता देना कि यू नो एनिमेटर भाई हैंडसम है एंड एनिमेटर भाई नारियल वाह अरे चलो मैंगो और पफ भी दे दो कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स कितना पैसा कमाऊं ताकि खाऊं रोज यो सेम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है एनिमेटर भाई जो तुम्हारे मुंडे में तेल डाला था वो नारियल तेल था क्या You guys are so racist. मुझे भी यही लगता था मैं ना बचपन में हर एक रेस जीतता था मुझे लगता है मैं racist थी You're not funny. Thank you. चलो चलो bye bye. Bye bye. चलो बाय बाय ऑडियंस यो बाय गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग बाय बाय लाइक कर देना बाय 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 सो आई होप आप सबने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा एंड इफ तुम चाहते हो कि मैं डूडल मीट के और एपिसोड्स बनाऊं तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स के साथ तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा बिकॉज इतना लंबा वीडियो अकेले बनाने में बहुत मेहनत जाती है तुम इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो ढेर सारे कॉमेंट्स कर सकते हो एंड इफ तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो एंड इफ तुम इस एपिसोड का अनफिल्टर्ड वर्जन देखना चाहते हो जो कि पूरे 45 मिनट्स का है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सेकंड चैनल मैसी एक्ट का लिंक दिया है तुम उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो तुम जैसे ही वीडियो पे पूरे 5K लाइक्स कर दोगे मैं इसका अनफिल्टर्ड वर्जन अपने सेकंड चैनल पे डाल दूंगा ऑल्सो मैं एक्सपी पेन के साथ कोलैबोरेशन में एक ग्राफिक टैबलेट का गिव अवे कर रहा हूँ जिसमें कि तुम सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो गिव अवे के सारे डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है एंड यो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तुम सब भी मेहनत करो मस्ती करो खुश रहो एंड आई लव यू ऑल